ऐनक पहने लाठी थामे चलते थे वो शान से, देश तेरा क्यों भूल गया बापू तेरे बोल महान रे। मेरा मानना है कि सत्य की खोज में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। कोई चीज इसलिए सच नहीं बन जाती क्योंकि उसे हजार लोग बोलें या चिल्ला के बोलें, और सच इसलिए झूठ नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा ना हो। सच्चाई और खुशी उसमें है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, वो तीनों एक समान हो। कोई भी ऐसा पल नहीं होना चाहिए जब किसी औरत को ये बताया जाए कि वो किसी मर्द से जरा भी कम है। हम इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखकर ही ये साबित कर पाएंगे कि ये देश वाकई आजादी पाने के काबिल है और रहेगा। आगे भी हमारी यही परीक्षा होगी। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। जब सरकार और शासन बेलगाम, बेपरवाह और भ्रष्ट होता दिखाई देने लगे तो उस सरकार से असहयोग दिखाना हर नागरिक का हक भी है और फर्ज भी। उस आजादी का कोई मतलब नहीं जहां अपना पक्ष रखने की आजादी को दबाया जाता हो, भले ही वो पक्ष गलत ही क्यों ना हो। अब नहीं रहूंगा। किसी भी समाज को समझने का सही पैमाना वो होता है कि वो अपने सबसे कमजोर वर्ग से किस तरह पेश आता है। मुझे ये बात बहुत हैरान करती है और पीड़ा देती है कि कैसे एक इंसान खुद को दूसरे इंसान से ऊंचा मानकर उस पे अत्याचार कर सकता है। सोचो तो लगता है कि ये विडंबना कितनी डार्क है। तेरी राह पे कोई चलता नहीं बापू, पर हर शहर में महात्मा गांधी मार्ग है।